जय हिंद बच्चों, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आई होप सो पिछली वीडियोस मेरी आपको बहुत अच्छी लगी हैं, तो ऐसे ही लाइक शेयर एंड सपोर्ट करते रहिए और अपना प्यार बरसाते रहिए, जिससे मैं डेली अपडेट्स आपको देता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये फिफ्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन था, जैसा कि मैंने बोला था कि आपके लिए नई वीडियोज़ को पूरा डिटेल में मैं समझाऊंगा। तब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को हम इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। रिडॉक्स, यहाँ पर रेड लिया गया है रिडक्शन से और ऑक्स लिया गया है ऑक्सीडेशन से, तो इसको हम दोनों को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, एक साथ बोलते हैं। अब इसमें ऑक्सीडेशन समझते हैं और ऑक्सीडेशन होता क्या है। ऑक्सीडेशन की फर्स्ट हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है, जुड़ जाता है ऑक्सीजन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब सेकेंड हमारा है द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जब भी किसी सब्सटेंस में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, मतलब हाइड्रोजन हट जाए, ठीक है, उस सब्सटेंस से, तो उसे भी क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो आप इसमें दोबारा समझ लीजिए एक बार, जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है वो भी ऑक्सीडेशन होता है, और जिसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है वो भी ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो अब रिडक्शन समझते हैं, रिडक्शन क्या होता है। तो अब यहां समझते हैं हम रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन ठीक अपोजिट होता है किसका, ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन में जो डेफिनेशन थी, ठीक उसकी अपोजिट डेफिनेशन क्या हो जाएंगी, रिडक्शन। अब इसमें डेफिनेशन देख लेते हैं। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। जब किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है, वो क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है वहां पर। अब वहां पर क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था ऑक्सीडेशन में, यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। और जहां एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। अब सेकेंड हम इसमें देख लेते हैं डेफिनेशन। द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। किसी भी सब्सटेंस में जब ऑक्सीजन निकल जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन बोलेंगे। वहां क्या हो रहा था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा था, जहां रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा वहां ऑक्सीडेशन होगा, और जहां रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा वहां रिडक्शन होगा। तो अब आगे टॉपिक हम समझते हैं इसको एग्जाम्पल लेके। तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ में और बना रहा है कॉपर और वाटर। ठीक है, अब इस रिएक्शन में हम ऑक्सीडेशन समझेंगे और रिडक्शन समझेंगे। ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, ऑक्सीडेशन देखिए यहाँ हो रहा है, H2 के साथ एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि जहाँ भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा वहाँ क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर रिडक्शन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर CuO, ये अपना ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का, तो ये हो गया रिडक्शन। अब यहाँ पर दो टॉपिक और आते हैं हमारे, एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट और एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसी एग्जांपल से हम समझते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड होगा, ये होगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो ऑक्सीजन दे, प्रोवाइड कराए। तो यहां पर कॉपर ऑक्साइड ही प्रोवाइड करा रहा है किसको, H2 को, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीजन दे रहा है H2 को और तब जाके वो ऑक्सीडेशन हो पा रही है, तो ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और H2 क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट क्यों हो जाएगा, ये समझते हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट ये इसलिए होगा क्योंकि ये ऑक्सीजन को ले रहा है। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन देता है रिएक्शन में वो हमारा होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीजन लेता है वो हो जाता है रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये इसको रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, H2S को रिएक्ट करवा रहे हैं क्लोरीन गैस के साथ में, यहाँ पर सल्फर हमारा अलग निकल रहा है और HCl बन रहा है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है। अब इस रिएक्शन में हम समझेंगे कि हमारा ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है और रिडक्शन कहाँ हो रहा है। अब ऑक्सीडेशन जो हमारा हो रहा है वो हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, जहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता था वहाँ क्या होता था, ऑक्सीडेशन होता था। ठीक है, क्योंकि ये ठीक ऑक्सीडेशन का उल्टा होता था यहाँ पर, तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा चीज, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, रिडक्शन हो रहा है हमारा यहाँ, क्यों,
क्योंकि यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जहां हाइड्रोजन प्लस हो रहा है वहां क्या होता था? रिडक्शन होता था, जैसे मैंने आपको पहले डेफिनेशंस में बताया। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन और ये हो गया यहां पर हमारा रिडक्शन। अब यहां पर हम देखेंगे कि हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। ठीक है, अब ये हमारा क्या होगा, H2S हमारा क्या होगा, ये हाइड्रोजन दे रहा है किसको, दे रहा है Cl को, क्लोरीन को। यहां पर ये हाइड्रोजन दे रहा है तो देने वाला क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन दे रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्यों? क्योंकि ये सल्फर को कम कर रहा है। ठीक है, यहां से H2S को कम कर रहा है ये, और हाइड्रोजन Cl को दे रहा है, तो ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। और हमारा यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ये क्लोरीन, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए होगा यहां पर क्योंकि क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन को ले ले रहा है, तो जो हाइड्रोजन को ले रहा है वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो हाइड्रोजन दे रहा है वो क्या हो जाएगा हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल से समझ लिया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, तो अब इसकी डेफिनेशन भी हम नोट कर लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन है, फर्स्ट, द सब्सटेंसेस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। ठीक है, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन प्रदान करता है, देता है, वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन, या ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को ले लेता है या रिमूव कर देता है दूसरे सब्सटेंस में से, उसको भी क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम समझते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन क्या है, द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन। जो सब्सटेंस हाइड्रोजन देता है रिडक्शन के लिए, जो हाइड्रोजन प्रदान कराता है, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक उल्टा ऑक्सीडेशन का। सेकंड क्या है, द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन, या ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को ले ले, ऑक्सीजन को किसी और सब्सटेंस में से निकाल ले, उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिडॉक्स इन टर्म्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब रिडॉक्स रिएक्शन को हम समझेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के टर्म्स में। फर्स्ट है हमारा द एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट। जब भी किसी नॉन मेटेलिक एलिमेंट का एडिशन हो जाएगा, नॉन मेटेलिक एलिमेंट जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, तो नॉन मेटेलिक एलिमेंट का जब भी एडिशन होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, या फिर रिमूवल हो जाए मेटेलिक एलिमेंट का, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, तो ये सब मेटेलिक एलिमेंट है, ये किसी सब्सटेंस में रिमूव हो जाए, अलग हो जाए, तो वहां पर भी क्या होगा, उसे हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। सेकेंड है हमारा द एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट। ठीक है, किसी मेटेलिक एलिमेंट का एडिशन हो जाना, जैसे कॉपर किसी में जुड़ गया या आयरन किसी में जुड़ गया, तो वो क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन होगा। और रिमूवल ऑफ मेटेलिक एलिमेंट, या रिमूवल हो जाए किसी मेटेलिक एलिमेंट का, नॉन मेटेलिक एलिमेंट का। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन एलिमेंट्स का क्या हो जाए, रिमूव हो जाए ये किसी से, तो वो क्या होगा हमारा, रिडक्शन रिएक्शन होगी। तो अब हमारा टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ऑक्सीडेशन के जो रिएक्शंस होते हैं एवरीडे लाइफ में वो कौन कौन से होते हैं, हमने दो बेसिक्स लिए हैं। बेसिक क्या क्या होता है, कोरोजन ऑफ मेटल्स। ठीक है, आपने ज़्यादातर देखा होगा रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना, लोहे में जंग लग जाता है, तो वो भी क्या होता है, कोरोजन ऑफ मेटल्स होता है, ज़्यादातर हम यही देखते हैं, कॉमन एग्जाम्पल है। और सेकेंड होता है रेंसिडिटी ऑफ फूड। रेंसिडिटी ऑफ फूड मतलब जो फैट्स या ऑयल से जो तला भुना जैसे हमारा खाना रहता है वो सड़ जाता है। ठीक है, उसको सड़ना बोलते हैं, तो वो होता है रेंसिडिटी ऑफ फूड, उसमें से कुछ स्मेल आती है। अब इसमें कोरोजन हम समझते हैं, कोरोजन की डेफिनेशन क्या है, कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स सच एज एसिड ऑन देयर सरफेस। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल्स, ठीक है, वो ग्रेजुअली डिकम्पोज होते हैं या ईटन अप होते हैं, किसकी वजह से, मॉइस्चर की वजह से, एयर की वजह से या केमिकल की वजह से। उनके सरफेस पे जब ये चीज़ें रिएक्ट करती हैं तो क्या, मेटल्स जो होते हैं वीकेंड हो जाते हैं, वीक हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन की वजह से कोई भी मेटल्स जो होता है वो वीक हो जाता है हमारा। हमारा कोरोजन का जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन को हम यहाँ पर उसकी रिएक्शन देख लेते हैं, 4Fe प्लस 3O2 2X2O, यहाँ पर ये मॉइस्चर है, ये ऑक्सीजन है, आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और बनाता है आयरन थर्ड ऑक्साइड, इसी को हम बोलते हैं क्या, रस्टिंग। ये रस्ट की लेयर होती है जो वीक करती है आयरन को। ठीक है, इसके प्रिवेंशन भी पढ़ेंगे हम, लेकिन प्रिवेंशन के लिए एक पूरा अलग चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें हम उसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, कोरोजन ऑफ मेटल्स को। हमारा टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को समझेंगे, रेंसिडिटी क्या होता है,
ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड्स मार्क्ड बाई अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रैंसिडिटी। जैसे कि किसी भी खाने को हम बनाते हैं, चिप्स हो गए या कुछ भी, ये सब्जी बनाई हमारे घर में, तो वो क्या होता है उसमें अगर हम बाहर उसको खुला रख देते हैं कुछ देर के लिए, तो वो उसमें एक स्मेल आनी शुरू हो जाती है, ठीक है, बदबू आनी शुरू हो जाती है और वो खाने के लिए अनप्लीजेंट हो जाता है हमारे लिए, उसी को बोलते हैं रैंसिडिटी। वो किस लिए होता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसमें जो ऑयल यूज़ किया गया है या जो फैट यूज़ किया गया है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं रैंसिडिटी, ठीक है। अब इसके प्रिवेंशन मेथड्स हैं, इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं या बोल सकते हैं रिटार्डेशन, इसको स्लो कर सकते हैं इस प्रोसेस को, तो उसमें क्या क्या हमारे पॉइंट्स हैं वो हम समझते हैं। अब हम समझेंगे रैंसिडिटी को हम प्रिवेंट कैसे करते हैं या रिटार्ड कैसे करते हैं, रिटार्ड मतलब स्लो प्रोसेस को कैसे कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा इसमें, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू द फूड, फूड में हम एंटीऑक्सीडेंट्स को अगर मिला देते हैं तो वो प्रिवेंट हो सकता है हमारा फूड किससे, रैंसिडिटी से। कैसे? क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स काम करेंगे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस को होने ही नहीं देंगे, तो क्या होगा, हमारा फूड बचा रहेगा। अब इसके दो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, BHA ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड BHT ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन, ये ज़्यादातर यही दो एंटीऑक्सीडेंट्स कॉमनली यूज होते हैं। सेकेंड है हमारा बाई पैकिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस, ठीक है, जैसे कि हमारे चिप्स वगैरह आपने देखा होगा, चिप्स वगैरह जो पैकिंग होती है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, उससे क्या होता है जो चिप्स होते हैं वो हमारे जल्दी रेंसिडिटी नहीं होता जब तक कि वो ओपन ना हो, ठीक है। अब थर्ड, बाय कीपिंग इट इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में भी रखने से, जैसे कोई भी खाना रहता है सब्जी वगैरह रहती है, हम रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम तक प्रिजर्व रह सके। अब ये ऐसा क्यों होता है रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर जो होता है वो हीट को, मतलब जो टेम्परेचर को लो रखता है, राइज नहीं होने देता है, तो उससे क्या होता है कि जो प्रोसेस होता है रेंसिडिटी का वो रिटार्ड हो जाता है, रिटार्ड मतलब स्लो हो जाता है उसमें। फोर्थ, बाय कीपिंग इट इन एयर टाइट कंटेनर्स, या तो हम उसको एयर टाइट कंटेनर्स में रखें, एयर टाइट कंटेनर्स में क्या होगा कि ऑक्सीजन उसमें कम आ पाएगी तो उससे भी स्लो हो जाएगा प्रोसेस, ठीक है। एयर टाइट कंटेनर्स में भी ऑक्सीजन आती है लेकिन बहुत स्लो जाती है, तो उससे क्या होता है हमारा फूड प्रिजर्व रखता है ज़्यादा लंबे टाइम तक। फिफ्थ है हमारा बाय कीपिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, अगर हम डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं या किसी भी लाइट में ज़्यादा देर रखते हैं तो उसमें फूड हमारा जल्दी ख़राब होगा, रेंसिडिटी जो होगी जल्दी फास्ट प्रोसेस करेगी, और अगर उसे हम ठंडी जगह पे या डार्क प्लेसेस पे रखेंगे तो वो उतनी जल्दी रेंसिडिटी नहीं होगा। आई होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।